डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ में आज सुबह घर से बाहर दूध के लिए निकली महिला अधिवक्ता अनिल गर्ग की हत्या कर दी गई। इस हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं ने कचहरी में शोक सभा के बाद कामकाज बंद कर दिया। इसके बाद जुलूस की शक्ल में पुलिस ऑफिस पहुंचकर SSP से इस हत्याकांड के जल्द खुलासे की मांग की। अधिवक्ताओं ने इस बात पर रोष जताया कि महिला अधिवक्ता अपनी समस्या को लेकर पिछले 4 माह से पुलिस के चक्कर काट रही थी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण महिला अधिवक्ता को मौत के घाट उतार दिया गया। महिला का अपने CA पति नितिन गर्ग से तलाक का मामला चल रहा है, लेकिन वह ससुरालियों के ही घर में रह रही थी। नितिन दिल्ली में कार्यरत है, इसे लेकर भी मुकदमेबाजी चल रही है। पुलिस ने इस बिंदु के साथ ही अन्य कारणों की भी तलाश शुरू कर दी है। आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुंवर पाल शर्मा ने SSP मेरठ से मिलने के बाद यह जानकारी दी। मैं कुंवर पाल शर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ। किस विषय में हम SSP साहब के पास आए हैं कि एक महिला एडवोकेट के सुबह 7 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसी के विषय में ज्ञापन देने आए थे और मुलजिमान को अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कमल में लाई जाए और उन्हें सजा दी जाए। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो तो हमको आंदोलन पर कहूँगा। इसमें जो पुलिस का काम था करने का नहीं किया, तो पुलिस ने नुकसान नहीं दी और कोई एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से ये आज घटित हुई है। SSP साहब ने कहा कि क्या कहते हैं, उनके घर वाले आ गए हैं, FIR हो रही है और FIR होने के बाद तुरंत हम मुलजिमों को अरेस्ट करेंगे। उनके बारे में हमें पता चला है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे थे, कुछ मकान का भी सेल वेल का, दुकानों की सेल वेल का कुछ डिस्प्यूट था, तो उसमें हो सकता है जिन्होंने वो परचेज किया उन्होंने मारा हो या घर वालों ने मारा हो, किसी और ने मारा हो, क्या पता है इस बात का। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता होना है। सजा दे, कड़ी सजा दे। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।